मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून सॉरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून मैम वेरी गुड आफ्टरनून बेटा खनक प्रिंस गुजर आज ये न्यू बच्चा है प्रिंस गुजर विजय सिंह मैम आवाज कम आ रही है आपकी आवाज कम आ रही है यस मैम आवाज तो फुल है बेटा मेरी आप अपने वहां चेक करो अपने फोन में मैम आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज बेटा फुल है मेरे पास आवाज अब आ रही है मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा आप अपने फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा चेक करो मैम आप क्लियर दिखाई दे रहे मैम आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज ऐसे कैसे मैम क्लियर दिखाई दे गुड आफ्टरनून आवाज आ रही है क्या अभी आ रही है बेटा अभी आ रही है मैम मुझे तो आ रही है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही नहीं आ रही है उसकी मैम आ रही है प्रॉब्लम होगी जिसको नहीं आ रही है उसके नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी आ जाएगी जैसे नेटवर्क प्रॉपर होगा वॉल्यूम आ जाएगी ओके यस बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे इंडिया इज अवर मदरलैंड मैप बना लिया मैम यस आपकी आवाज नहीं आ रही किसको नहीं आ रही है मेरी आवाज बेटा कौन से बच्चे को नहीं आ रही है किस स्टूडेंट को नहीं आ रही है आवाज मेरा माइक तो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है बेटा गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून ये कौन आई है लविशा लविशा है क्या यस मैम नो मैम पता नहीं मुझे लविशा जैसी लग रही है ओके ओके अभी आ रही है आवाज मैम आपकी आवाज नहीं आ रही अभी आ रही है आवाज बेटा मेरे पास तो आवाज मैम मुझे म्यूट कर रखा है आवाज नहीं कर रही मैम किसी की भी आवाज नहीं आ रही लविशा बेटा किसी बच्चे को नहीं आ रही क्या बोल रही हूँ मैम मैम आपको आ रही है आ रही है ना जिसको नहीं आ रही उसके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आ रही मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैप बना लिया क्या सब बच्चों ने बेटा मैप बना लिया मैप दिया था ना मैम बनाना था बनाना था बेटा मैप ड्रॉ करना था ड्रॉ करना था मैप ड्रॉ किया सबने मैप ड्रॉ किया क्या बेटा यस मैम ओके यस मैम वेरी गुड तो आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का एक थोड़ा सा टॉपिक है जो बाकी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा कल हमने नेबर कंट्रीज पढ़ी थी हमारी इंडिया की कौन कौन सी नेबर कंट्रीज है नेबर कंट्रीज पढ़ी थी ना कल बेटा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है आहो किसको नहीं आ रही है कौन सा बच्चा बोल रहा है ये नाम बताओ बेटा अपना किस स्टूडेंट को आवाज नहीं आ रही मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है अरे तो किसको नहीं आ रही है अरे बेटा कैसे आवाज नहीं आ रही है मैम क्या बोल रहे हो कुछ समझ ही नहीं आ रहा बाकी सबको आ रही है क्या यस मैम तो बेटा जो भी बच्चा बोल रहा है ना आपके माइक में प्रॉब्लम है माइक में आप अपना माइक चेक करो आवाज नहीं आ रही तो क्योंकि फिर आपको नहीं मेरे यहाँ प्रॉब्लम होती तो सबको ही नहीं आती आवाज आप जो भी हो अपना माइक चेक करो यस प्रॉपर सब मदरलैंड मैप आपने बना लिया था कुछ कुछ लर्न हुआ मैप थोड़ा बहुत कि कहाँ अरेबियन सी है कहाँ बे ऑफ बंगाल है कहाँ इंडियन ओशन है कुछ लर्न हुआ बेटा
डर होगी नेबर कंट्रीज नेबर कंट्रीज कौन कौन सी नेबर कंट्रीज है हमारी कल हमने डिस्कस किया था ना वियतनाम कौन कौन सी है पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश प्रधान आ रही है अब तो कैमरा बंद कर रखा देखे जैसे क्लास में करते हो माइक ऑफ करो जितनी करते सही वीडियो बंद कर रखो बंद कर दे माइक ऑफ रखो अपने में वरना यहां से म्यूट कर दूंगी सबको ऑफ हो धीरे मुझे एक माइक ऑफ बांग्लादेश चलो देखो म्यांमार ठीक है ये हमारी क्या है नेबर ये प्रिंस गुजर प्रिंस गुजर नाम से बेटा क्या कर रहे हो आप भी अच्छे से बैठो अपना माइक ऑफ करो मैम मैंने तो अपना माइक ऑफ कर रखा है मेरे पास तो शोर नहीं हो रहा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है अनुमत आ रहा है पुतला पुतला आवाज है फुल्ली श्रीलंका बांग्लादेश एंड म्यांमार ठीक है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है सब बच्चे बोलो एक बार यस मैम यस मैम सब बच्चे मैम मुझे समझ नहीं आ रहा मैम यस सब बच्चे एक बार रिपीट करो नेबर कंट्रीज पाकिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नेपाल म्यांमार एक बार सब बच्चे रिपीट करो नेपाल नेपाल भूटान रिपीट करो बोलो एक बार नेपाल नेपाल बांग्लादेश 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 पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना नेपाल भूटान श्रीलंका बांग्लादेश है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है नहीं आ रही है तो बेटा एक आपको ही नहीं आ रही है आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है कोई माइक की प्रॉब्लम है बाकी सब बच्चों को आवाज आ रही है बेटा तो आप अपना माइक चेक करो मुझे तो आ रही है मैम ईयरफोन चेक करो अपना जो भी अपने यूज मैम यस ओके तो ये तो हो गई हमारी नेबर कंट्रीज जी कल हमने डिस्कस कर लिया था ठीक है आज हम क्या करेंगे अब हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी बेटा इंडिया 1947 डेट भी तो होगी ना कोई इंडिया मैम गॉड मैम यस स्टॉप वीडियो में क्या सुन रही है कौन सा बोल रहा है किसको आवाज नहीं आ रही है समझ में नहीं आ रहा मैम यस इस बेटा का आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम एक्सक्यूज मी मैम मैं दिख नहीं रहा कुछ तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है देवांशु बेटा
देवांशु आपको वॉल्यूम नहीं आ रहा क्या मेरा? बेटा अपना नेटवर्क नहीं आ रहा होगा आपके यहाँ पे या फिर कुछ माइक की प्रॉब्लम है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 ठीक है 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को क्या मिली थी? आजादी, फ्रीडम मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी। किसको? आजादी हमारे इंडिया को। ठीक है देयर आर 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन आवर कंट्री। There are 28 states and 28 states and 8 union territories in our country. Country. कितने states हैं बेटा? States 28. Union territories. 28. Okay, okay. 8. Union territories कितनी हो गई? 8. ठीक है? 8. Learn कर ली थी ना सबने ये? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, आपने बोला था बु The capital of our country is New Delhi. New Delhi. Capital of our country is New Delhi. Ma'am, आपने बोला था बु Capital कौन सी हमारी? New Delhi. New Delhi. Delhi. Okay. New Delhi. In India, Rajasthan is the largest state. Largest state. सारी states में से सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे largest state Rajasthan. Rajasthan, जहाँ पे हम रहते हैं. ओके स्मॉलेस्ट स्टेट इज गोवा। स्मॉलेस्ट कौन सी है? गोवा। गोवा इन द टर्म्स ऑफ एरिया मतलब एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और गोवा सबसे छोटी स्टेट है। स्मॉलेस्ट स्टेट सबसे छोटी स्टेट है। नाउ There are 7 sisters. 7 sisters. There are 7 sisters in the north east part of our country. देखो हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट ठीक है मतलब इस एरिया में जो कुछ सब स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स को हम क्या कहते हैं 7 सिस्टर्स 7 बहने मतलब बिल्कुल पास पास में है वो कौन कौन सी है 7 सिस्टर्स हमारी नॉर्थ सिस्टर्स है कौन कौन सी है ईस्ट नॉर्थ बेटा मैं स्टेट्स की बात कर रही हूँ ठीक है कौन से देखो इसको ये 7 स्टेट्स के नेम है जिन्हें 7 सिस्टर्स भी कहते हैं कौन कौन सी स्टेट्स है असम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम नागालैंड मेघालय मणिपुर त्रिपुरा
ये सेवन स्टेट्स है बेटा, इनको हम बिल्कुल पास पास में है तो इन्हें हम सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इन सारी स्टेट्स को हम क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर्स। बहनों की तरह पास पास में रहती है, सिस्टर्स होती है ना, बिल्कुल क्लोज होती है। वैसे सारी चार सातों बहने ये सेवन सिस्टर्स है, पास पास में है सारी। असम अरुणाचल एक जैसा, यहाँ का रहना खाना पीना लोग सब ज्यादातर एक जैसे होते हैं, सिमिलैरिटीज होती है इनमें बहुत सारी। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। सेवन सिस्टर नेबर। यस मैम। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन आवर कंट्री। कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज न्यू दिल्ली। लार्जेस्ट स्टेट इज राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट इज गोवा। ओके, सेवन सिस्टर्स इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री दैट आर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, अब हम बात करेंगे फिजिकल फीचर्स के बारे में। इसके बारे में फिजिकल फीचर्स हमारी कंट्री को कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी जो कंट्री है ना इंडिया, वहां की जो लैंड है वो अलग अलग है सब जगह से। मतलब कहीं पे बड़े बड़े पहाड़ है, कहीं पे प्लेन्स एरिया है, मैदान है, कहीं पे आइलैंड है, कहीं पे क्या है, समुद्र के किनारे कुछ स्टेट्स है, कहीं पे डेजर्ट है। क्या है मैम आपने बोला? कर दो बंद, बंद कर दो। मैं कितना मतलब चिल्लाके बोल रही हूँ, मतलब कितना लाउड बोल रही हूँ मैं, फिर भी वॉल्यूम नहीं आ रही आपको? इसको नहीं आ रही वॉल्यूम? किसी और आ रही है? आगे बच्चों आ रही है वॉल्यूम? आ रही है, आ रही है वॉल्यूम? आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके ओके, मैं आ रही है। आपको कुछ फीचर्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री। देखो मैंने मैप बना के भी समझाया था कि नॉर्थ में माउंटेन्स है, वेस्ट में डेजर्ट है, ठीक है, साउथ में क्या है, दोनों तरफ समुद्र है। तो जो कोस्टल एरिया के आसपास के स्टेट्स है, कहीं पे आइलैंड्स है, बताया था ना मैंने आपको कल मैप से। तो यही हमारे फिजिकल फीचर्स है। तो फर्स्ट नंबर पे था नॉर्दर्न माउंटेन्स। सबसे पहले क्या है? नॉर्मल माउंटेन। माउंटेन माउंटेन कौन सी? हिमालय की जो माउंटेन्स है। कौन सी? हिमालय की माउंटेन। चलो थोड़ा सा मैप बना लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना आपके लिए। ओके मैम, मैम के थ्रू थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा आपको कि मैम क्या बता रही है। ओके, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? चलो, नॉर्दर्न माउंटेन सबसे पहला फीचर, ये नॉर्थ से लेके, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेके ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक है, ये पूरे पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ पे। ठीक है, वो मैंने सेवन सिस्टर्स बताई थी ना, ये यहाँ पे है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे जितनी स्टेट्स हैं, असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन्हें सेवन सिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो जम्मू कश्मीर से लेके ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। ठीक है ना? नाउ ये मेरा वीडियो। सेकंड नंबर द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न
प्लेन्स। अब देखो प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन अपन कोई चीज को कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल प्लेन है, प्लेन मतलब फ्लैट, सीधा, बिल्कुल ऊंचा नीचा नहीं कुछ भी, बिल्कुल प्लेन सीधा। तो प्लेन मतलब मैदान के भाग जहाँ पे जमीन बिल्कुल सीधी होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। जैसे अब ये पहाड़ है बेटा, देखो जितनी भी रिवर्स होती है ना, जो नदियां होती है, रिवर्स होती है, वो कहाँ पे से गिरती है, पहाड़ों में से आती है। नदियां कहाँ से आती है, तो ये तो हो गए सारे हमारे माउंटेन्स, पहाड़ हो गए। यहाँ से नदियां आएंगी तो कहाँ गिरेगी, यहाँ आएंगी सारी। तो सारी नदियों से ये एरिया क्या हो जाता है, इस एरिया को प्लेन एरिया कहते हैं हम। सारी नदियां यहाँ आती हैं, यहाँ आने से ये एरिया कैसा है, प्लेन एरिया है बिल्कुल। किसी तरह के कोई माउंटेन्स नहीं है यहाँ पे, कोई डेजर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये तो ये एरिया कौन सा हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, जिसमें हमारा यूपी भी आ जाता है, पंजाब भी आ जाता है, हरियाणा भी आ जाता है, कुछ राजस्थान का हिस्सा आता है, ज्यादा नहीं आता है, एमपी भी आ जाता है, इसमें बिहार भी आता है हमारा, ठीक है ना। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, एक तो पार्ट ये नॉर्दर्न माउंटेन्स, एक हो गया प्लेन्स का एरिया, ये तो हो गए माउंटेन्स, ये हो गए प्लेन्स। तो रिवर्स आते यहाँ गिरती है, जहाँ पे नदियों का पानी होता है वहां पे क्या होती है, जमीन कैसी होती है, फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब खेती के लिए, खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छी जगह होती है ये। फसलों को क्या चाहिए, पानी चाहिए, प्रॉपर पानी चाहिए ना, अच्छी लैंड चाहिए और वाटर चाहिए। वो कहाँ पे मिलता है, क्योंकि सारी रिवर्स यहाँ के गिरती है तो इस एरिया में, तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर खेती बाड़ी यही पे होती है, ठीक है ना। नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गए, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न डेजर्ट की। चलो बताओ बेटा बच्चों, वेस्टर्न डेजर्ट कहाँ पे है, कल ही बात की थी हमने वेस्टर्न डेजर्ट की। वेस्ट किधर है, वेस्ट साइड कौन सी हो गई, राजस्थान, ये वेस्ट हो गई है ना। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब कुछ हिस्सा नॉर्थ में भी आता है, नॉर्थ वेस्ट यहाँ से। तो ये हो गया हमारा डेजर्ट, कौन सा डेजर्ट, थार डेजर्ट, जो हमारे राजस्थान में है, रेगिस्तान, मरुस्थल जिसे कहते हैं, मिट्टी ही मिट्टी। ये उबासियां कौन ले रहा है, एक क्लास लेनी है, नींद आने लग गई। थर्ड नंबर द वेस्टर्न डेजर्ट, ओके द वेस्टर्न डेजर्ट। नाउ फोर्थ नंबर, थ्री पार्ट्स हो गए हैं, फोर्थ कौन सा हो गया हमारा, द साउदर्न, साउदर्न प्लेट्यू। आप बोलोगे मैम ये प्लेट्यू क्या होते हैं, देखो प्लेन्स क्या होते हैं, बिल्कुल प्लेन एरिया, सीधा सीधी जमीन। डेजर्ट जहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी होती है, रेगिस्तान। माउंटेन जहाँ पहाड़ होते हैं। प्लेट्यू क्या होते हैं, प्लेट्यू होते हैं पठार, मतलब पहाड़ भी नहीं, प्लेन भी नहीं, थोड़ा सा ऊंचा, कई जगह नहीं होते छोटे छोटे पहाड़ जैसे पठार, थोड़ा सा ऊंचाई होती है इस तरह से, मतलब थोड़ा सा ऊंचा फिर वो सीधा हो जाता है, फिर ऐसे नीचा इस तरह से, ये होता है पठार, मतलब यहाँ ऊपर से फ्लैट होता है। माउंटेन तो क्या होती है, इस तरह होती है, माउंटेन तो ऐसी होती है इस तरह से, बट प्लेट्यू क्या होते हैं, इस तरह ऊपर जाके फ्लैट हो जाते हैं। तो यहाँ जो साउथ का जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे क्या है, प्लेट्यूज है, पठार ही पठार है इस तरह के, इसको हम क्या कहते हैं, द रेस्ड पोर्शन, द रेस्ड पोर्शन ऑफ लैंड दैट इज फ्लैट ऑन द टॉप, मींस कि जमीन का ऐसा हिस्सा जो थोड़ा ऊपर जाकर प्लेन हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। कई जगह ऐसी होती है थोड़ी ऊंचाई पे जाके, कई शहर कई सिटी ऐसी होती है, थोड़ा सा ऐसे चढ़ाई होती है ऊपर चढ़ने में, फिर यहाँ पे पूरा शहर बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये होते हैं प्लेट्यूज कहते हैं ऐसी जगह को। तो जो साउथ का जो हिस्सा है, इसमें ज्यादातर क्या
क्या है प्लेटू, जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, यहाँ पे ज्यादातर क्या है प्लेट्यूज बने हुए हैं, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ पे क्या है प्लेट्यूज ज्यादा है। ओके बेटा समझ में आया प्लेट्यू क्या होते हैं? यस मैम। ओके यस मैम। यस मैम। अब हम यस मैम। नाउ द यस मैम। फिफ्थ नंबर इज कोस्टल प्लेन्स। फोर्थ नंबर तो हमारा ये वाला आ गया प्लेट्यू। अब है कोस्टल प्लेन। बेटा कोस्टल प्लेन क्या होते हैं? अब आप सोचो कि मैम ये कोस्टल प्लेन क्या होते हैं? कोस्टल ये समुद्र। यहाँ देखो क्या है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है? तो ये समुद्र के आसपास का एरिया हो गया ना ये वाला। यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स है, जगह है, वो समुद्र के आसपास हो गई, ठीक है? समुद्र के आसपास का एरिया तो उसे क्या कहेंगे हम? कोस्टल प्लेन। समुद्र के आसपास क्या कहेंगे? कोस्टल। जैसे मुंबई हो गया, ठीक है, केरला हो गया, यस मैम, ये ओडिशा हो गया इधर, तो ये कोस्टल प्लेन के एरिया आ जाते हैं। लास्ट हमारा कौन सा आता है? द आइलैंड्स। आइलैंड कौन से? यहाँ पे जो पानी के अंदर जो होते हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है? समझ में आ गया बेटा? यस मैम। पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? यस मैम। वर्क में आपको सेंड करूंगी, आपको नोटबुक में करना है। ओके बेटा, क्लास का टाइम हो गया है, ओवर, ठीक है? बाय मैम। गुड आफ्टरनून मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा। बाय। गुड आफ्टरनून। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।